अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ का ग्रिल कबाब। तो यहाँ पे हमने लिया है गोश्त और इसे हमने छोटे हिस्से में कट कर लेना है, इसलिए ताकि ये गल जाए जल्दी से, क्योंकि हमने कढ़ाई में इसे बनाना है। तो यहाँ पे अब मैंने इसमें क्या लिया है, गोश्त में हमने डालना है अदरक, लहसुन का पेस्ट और कुटी हुई लाल मिर्च, गोलकी पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर। अब मैंने इसमें नमक डाला है तो, और इसमें मीट मसाला डालना है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है प्याज की बिरयानी। तो अब इस प्याज की बिरयानी को आप अपने हाथ से चूर कर लें और अब उस गोश्त में मिला लें खूब अच्छी तरह से, और अब कढ़ाई में तेल गरम कर लें। तो अब इसमें गोश्त को डालें और लो फ्लेम पे छोड़ दें और उसे ढक्कन से ढककर छोड़ें और 10-10 मिनट पर चेक करते रहें। और जब आपको लगे कि आपका मतलब गोश्त गल गया है तो हाई फ्लेम पे उसे थोड़ा सा और पका लें तो थोड़ा सूख जाए। पानी इसलिए पकाना है, तो उसके बाद आप गैस ऑफ कर लें। तो अब हमारा ग्रिल कबाब बिल्कुल तैयार है और इसे चावल दाल के साथ खाएं, बेहद मज़े का लगेगा। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। तो प्लीज़ इसे बनाना ना भूलिए और इस वीडियो को देखना ना भूलिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।